हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा है स्विमिंग बाय मनी, जिसका ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है, जैसे कि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि जैसे कि कोरोना चल रहा है, इसके बावजूद हमें स्विमिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करने का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। आज हम उन्हीं सभी बातों पर बात करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि स्विमिंग नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, या फिर स्विमिंग में क्या नुकसान हो सकता है, क्या बेनिफिट है, और स्विमिंग के अलावा हम क्या कर सकते हैं जिसके कारण कोरोना से बचा जा सके। ठीक है, सबसे पहले कि जो कोरोना है, 19 जो भी नाम है इसका, ठीक है फ्रेंड्स, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत जल्दी ये फैल रहा है। हालांकि बीमारी इतनी तगड़ी नहीं है, दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, वो सबसे बड़ी इशू है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि कोरोना में स्विमिंग करनी नहीं चाहिए, उसका रीज़न बता देता हूं। स्विमिंग से कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर सपोज करो कि अगर एक पर्सन को है कोरोना तो वो सबको वहां पे करवा देगा, मतलब कि सबको कोरोना हो जाएगा यहाँ की। ऑब्वियसली स्विमिंग पूल में एक बंदा तो पर्सन तो करता नहीं। हाँ, अगर आपके घर में स्विमिंग पूल है, आपने छोटा सा बना रखा है, तो उसमें आप कर सकते हो, पर कोशिश करना कि उसका पानी है जरूर थोड़ा गर्म ही रहे, ठंडा ना रहे, ठीक है, क्योंकि कोरोना जो है वो ठंडे पानी में ज़्यादा देर तक रह सकता है, मतलब ठंडे में, ठंडी चीज़ में ज़्यादा देर तक वो जिंदा रहता है, तो इसलिए थोड़ा रहता है। बाकी कोरोना में जो पानी होता है उसमें जम्स भी बड़े होते हैं, ठीक है, जो क्लोरीन डलती है, जो फिल्टर करता है उसमें काफ़ी हद तक साफ़ होता है, पर साथ के साथ जम्स आते रहते हैं। जैसे कोई और कूद गया नहाने के लिए, कोई और कूद गया, सपोज करो मुझे कोरोना है, जब मैं बाहर से एंटर करूँगा, जैसे मैं मैंने यहाँ पर खांस दिया ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाथ लगा दिया, फिर पानी के अंदर चला गया, तो इस पर 12 घंटे तक जिंदा रहेंगे, धातु पे 12 घंटे तक कोरोना के असर जिंदा रहते हैं। सो सपोज करो 12 घंटे में पता नहीं कितने जनों ने इसको टच कर जाना है, तो कोरोना वायरस फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोरोना वायरस होते हुए स्विमिंग करनी नहीं चाहिए, और इसके बहुत सारे भी अलग अलग नुकसान भी होंगे, क्योंकि जब हम पानी में जाते हैं हमें जुकाम होता है, खांसी होती है, पेट में इन्फेक्शन होता है, ये सारे होता ही होता है। पर सपोज करो प्लस इसमें एक कोरोना भी आ गई तो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्विमिंग नहीं कर रहे हो और आप घर में हो, तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करो, जैसे कि कई नुस्खे बता रहे हैं, जैसे कि आप प्याज खा लो, प्याज का पानी पी लो, ग्लोई खा लो, ठीक है ना, दूध में हल्दी डाल के पी लो, और या नारियल का पानी पी लो, जूस पी लो, मौसमी पी लो, और ये सारे जो है ये कोरोना को ख़त्म तो नहीं करेंगे, पर कोरोना जो वायरस है उसके जो सिम्टम आपके अंदर आएंगे, ये आपको मेन क्या है मैं आपको बताता हूँ, नारियल का पानी, गन्ने का रस, जूस, ये आपके अंदर जितना भी ब्लड होगा इसको फिल्टर करते हैं, बल्कि जो गंदगी होती है फिल्टर करते हैं, जिसके कारण अगर कोरोना बाई चांस आपके में हो भी गया तो कोरोना से लड़ने की क्षमता ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, जिसके कारण कोरोना अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा एक छोटा सा सवाल था, जो मैंने टेक्निकल लवली मनी पे भी वीडियो बनाई थी उसमें भी डाला था, कि अगर जिसको कोरोना है अगर उसको एक ढक्कन बोट का दे दी जाए गर्म पानी में मिला के, तो कोरोना के असर काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से ख़त्म होंगे। फिर कईयों का कमेंट आया कि वो लीवर पर काम करेगी, बल्कि लीवर पर नुकसान करेगी, पर अगर देखा जाएगा कि अगर एक ढक्कन पीते हैं तो वो लीवर में नुकसान नहीं करेगी। ये मैं उस बंदे का कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ कि भाई अगर एक ढक्कन पीते हैं हम पानी में डाल के, गर्म पानी में, तो वो एक एज ए मेडिसिन की तरह काम करेगी, एज ए दारू की तरह काम नहीं करेगी। और एक बात कि फ़ोन से जितना दूर रह सकते हो रहो, जैसे मैं दूर हूँ, ठीक है, फ़ोन से जितना दूर रह सकते हो रहो, क्योंकि क्या होता है कि जब हमें छींकते हैं छींका फिर हम फ़ोन चलाने लगे, जम्स सबसे ज़्यादा फ़ोन पे रहते हैं, वही हमने जेब में डाल दिया, वही उसी से किसी से हाथ मिला लिया, चाहे आपको कोरोना नहीं है फिर भी। और दूसरी बात कि आप फ़ोन को साफ़ करो, डिटॉल लो, उसको पानी में डालो, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, उसमें फिर कॉटन को निचोड़ो, क्योंकि सबके फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं होंगे, ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होंगे तो फ़ोन ख़राब हो सकते हैं, कॉटन में डालो, उसको निचोड़ो, फिर उसको एक बार साफ़ करो, बल्कि ये आप रोज़ की रोज़ भी कर सकते हो, पर हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करो, क्योंकि फ़ोन की वजह से भी आपको बीमारियाँ लगती हैं, तो कोरोना की वजह से अपने शरीर को साफ़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बाकी आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, घर में एक्सरसाइज जंपिंग कर सकते हो, ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, और आगे पीछे वाली होगी ट्विस्टिंग होगी, ये छोटी मोटी एक्सरसाइज करते रहो, ताँ जो आपका शरीर तंदुरुस्त रहे और फिट रहे, ताँ जो कल को का आपको कोई दिक्कत या बीमारी हो भी जाती है तो आपको ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। बल्कि क्या होगा, कोरोना जब बॉडी में तब्दील हो जाता है, खांसी, जुकाम और फीवर, ये तीन चीज़ें होती हैं, और चौथी चीज़ है कि वो आपका जॉइंट पेन करने लग जाती है। जब आप में विटामिन डी रहेगी, जैसे कि कई कह रहे हैं कि अंडे नहीं खाने, चिकन नहीं खाना, वगैरह वगैरह वगैरह,
तो आई थिंक वो सही कह रहे हैं कि अंडे चिकन नहीं खाना चाहिए, पर क्यों नहीं खाना चाहिए ये कोई नहीं बता रहा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अंडे को उबालते हैं उसके जितने भी जर्म्स होते हैं सारे मर जाते हैं, आप छीलो उसका बीच वाला पार्ट में विटामिन डी होता है। तो आई थिंक जो मेरा ओपिनियन है, मैं अंडे अभी तक खा रहा हूँ, रेगुलर खा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से खाने भी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर जो साइंटिस्ट ने स्टडी की है वो उनका हिसाब है, पर मेरे हिसाब से अभी विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बॉडी में विटामिन डी रहेगी तो हमारे जॉइंट नहीं पेन करेंगे। और जो कोरोना है वो सबसे ज़्यादा विटामिन डी के वजह से, मतलब कि डी की कमी ज़्यादा करता है। कभी आप जितनी भी रिपोर्टें आई हुई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा, मतलब कि 2-3 बार मैंने सुन लिया है, देखा हुआ है, हर कोई बोल रहा है कि जब कोरोना वायरस आ जाता है जॉइंट पेन करते हैं, और जॉइंट हमेशा विटामिन डी की वजह से कम करते हैं। अब क्या होगा जब जॉइंट पेन करने लगे, हम उठने से कतराएंगे कि हाँ भाई हमारे जोड़ दुख रहे हैं, हम नहीं उठेंगे, जिसके कारण जब हम पड़े रहेंगे तो वो और हैवी होता जाएगा, जिसके कारण हम और बीमार होते जाएंगे। तो आई थिंक होना चाहिए कि हाँ अभी अंडे खाने चाहिए, पर अवॉइड पिक करना बेटर है। अगर आप घर में उबाल के एकदम साफ़ सुथरे करके अंडे को धो के उबाल के खा रहे हो, ये मना क्यों कर रहे हैं चिकन, मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो बैट था जिसके वजह से ये कोरोना हो रही थी, या फिर जो जर्म्स उसके अंदर जा रहे थे, फिर उसको जिसने भी खाया था पहले, ये वायरस जो है पहले सूरों में आया था, पिग में, ठीक है, जो कि फॉरेन में पता नहीं कौन से देश के थे, बीच में ये शुरू हुआ था तो तुरंत ये ख़त्म हो गया, मतलब कि दबा दिया गया। जो कह रहे थे कि हाँ भी कौन सी बीमारी आई है, जो कि वहाँ खाने से बीच में एक बार चिकन फिर बंद हुआ था, शायद आपको याद भी होगा कि फल गिरे नीचे, वो सूरों ने खा लिए, वो सूर बंदों ने खा लिए, तो बंदों में वो सिम्टम आ गए, जिसके कारण इसलिए चिकन भी बैन कर दिया गया था। पर वो वहाँ था, ठीक है ना, वो बैट यहाँ नहीं पाए जाते, ठीक है। अगर पाए भी जाते तो नॉर्मली यहाँ पे, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ कुरुक्षेत्र हरियाणा में रह रहा हूँ, तो यहाँ तो चिकन बैन ही है, ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, घर में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, फ़ोन को आपको क्लीन करना चाहिए, आपको भी अपने हाथों को क्लीन करना चाहिए। डिटॉल नहीं है तो आप नमक से कर सकते हो, नहीं तो क्या कहते हैं, आप नमक को हाथ डबो के उसको थोड़ा सा सेकोगे तो हाथ साफ़ हो जाएंगे। बाकी साबुन तो नॉर्मल सबके पास होता ही है, बाकी इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। मास्क उसको लेना चाहिए जिसको खांसी और जुकाम है, या जो बाहर जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बाहर तभी निकलो जब आपको ज़रूरत है। और नहीं तो पता क्या होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, ज़िंदगियाँ बदल दी जाएंगी, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। ओ भाई मारो, मुझे मारो, ये वीडियो देख के आप खुश भी हो सकते हो, वैसे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बंदे ने बोला है बड़े अंदाज की सिस्टम के साथ, है ना। तो बस फ्रेंड्स, मुझे ये था कि जो कमेंट आ रहे थे उनका रिप्लाई कर दूँ, उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। और हाँ, आप स्विमिंग की प्रैक्टिस घर में खाली हाथ भी कर सकते हो, जैसे ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपके जॉइंटों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ये तो बल्कि स्विमिंग की होगी, आपको सिंपल ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है, और सिंपल ये बैक वाली एक्सरसाइज, ठीक है, ये बैक स्विमिंग की। वो देखो, ये 5 मिनट करोगे, 5 मिनट में तो आपके हाथ खड़े हो जाएंगे, ये आप 2 मिनट भी करोगे आपके शोल्डर में पेन आएगी, पर ये एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिट है, आपके सिर को थोड़ा खोल के रखेगी, ठीक है फ्रेंड्स। बस तो आज के लिए इतना काफ़ी, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो जो भी मैंने बताया है। बाकी फ़ोन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स फ़ोन के ऊपर पाए जाते हैं। फ़ोन को साफ़ करने के लिए बहुत सिंपल है, डिटॉल का लो, उसमें आप डबो, कॉटन में नमक और उसमें थोड़ा पानी डाल लेना, ठीक है, आप डायरेक्ट डिटॉल को 2 बूंदे उसके ऊपर डाल के उससे भी साफ़ कर सकते हो, पर उससे फिर वो चिपचिपा सा हो जाएगा, ये बात नोट रखना, ठीक है। अदरवाइज़ उसका कवर, फ़ोन चार्जर, हेडफोन, ये सारा कुछ आपने साफ़ करना है, ताँ जो आपके अंदर बीमारी ना आए। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। बाकी ओवरऑल ये सारे पूल बंद चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से आपको अपने अपने घर में रहना चाहिए जब तक जरूरी काम नहीं है, क्योंकि लगभग सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो रहे हैं, सारी गाड़ी ये रेलगाड़ियाँ सारी बंद हो रही हैं। आप अगर बाहर निकल रहे हो तो बहुत ज़रूरी काम है, तभी बाहर निकलो। जैसे मैं वीडियो बनाने आया हूँ बाहर, तो मुझे शॉप से, मेरी शॉप में से लैपटॉप भी उठाना था, ताँ जो मैं घर बैठा बैठा काम कर लूँ। अब आपको जितनी भी वीडियो आएगी मेरी, जो मैं 6-7 दिन घर में ही रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, तो जितनी भी वीडियो आएगी वो मेरे घर में ही आएगी, ठीक है। जो भी डिटेल आएगी आपको बकायदा फ़ोटो के साथ आएगी, और क्योंकि पहले मैं आपको फ़ोन दिखाता था, अब फ़ोटो के साथ आएगी, ताँ जो आपको फ़ोन भी दिख जाए और आपको उसके बारे में डिटेल भी सारी पता चल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो पूल अभी 31 मार्च तक बंद है, और जो कोरोना वायरस है वो स्टेज 2 पे है, स्टेज 4 पे जाने, 2-3 पे जाने के लिए बोल रहे हैं कि 22 तारीख को स्टेज 3 पे जाएगा। कोशिश की जा रही है कि स्टेज 3 पे ना जाए, और अगर जाए भी तो काफ़ी कंट्रोल में रहे। तो बस प्रे करो कि सब ठीक हो जाए, और किसी को कोरोना वायरस ना हो, और जिसको है
वो अपना जाके चेकअप करा ले, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर गैदरिंग बढ़ गई तो डॉक्टर को दिक्कत हो जाएगी और जिसके कारण मौत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी अभी तक तो बचा ही है इंडिया का, बाकी इटली का देखा जाए तो बुरा हाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरा मेरा ओपिनियन ये था कि आप अभी स्विमिंग पूल जहाँ चल भी रहे हैं वहाँ मत जाओ, और अगर आपने करनी है प्रैक्टिस अपनी घर में कर लो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बॉय फ्रेंड्स, थैंक यू बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि इस साल जो आएगा स्विमिंग पूल मुश्किल ही है, क्योंकि इस वाले काफ़ी मतलब कि हो रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता, भगवान के आसरे। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें।